नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आपने मेरा नगर काशल का पार्ट 1 तो देख ही लिया है, तो आज मैं आपको पार्ट 2 दिखाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको हिमाचल का पूरा कल्चर दिखाऊंगा, ट्रेडिशन दिखाऊंगा। एक म्यूज़ियम है यहाँ पे, वो म्यूज़ियम के अंदर आपको सारे कल्चर देखने मिल जाएंगे। मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, वो बहुत ही खूबसूरत है, आप लोग ने सच में आज तक कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ की पूरी कहानी बताता हूँ। यह है यहाँ का हॉल, नगर काशल का हॉल, जो राजा महाराजा और अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। ये एक तरफ से देखा जाए तो मीटिंग रूम भी है, यहाँ पे सब बैठ के मीटिंग करते थे। ये बॉनफायर है, आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा कि इसमें ही लकड़ियाँ जलाकर बैठते हैं, ठंडी का मौसम यहाँ बहुत होता है इसलिए ये बॉनफायर यहाँ यूज़ होता है। और ये उस ज़माने का कपाट बनाया हुआ है, करीब ये होगा आज से 200 साल पुराना कपाट है और आज भी उतनी ही मजबूती है। तो दोस्तों, आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत है यह हॉल, बहुत ही प्यारा है। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत गलियारा है नगर काशल का, यहाँ से पूरा नगर गांव दिखता है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत से पहाड़ है यहाँ पे, ये गांव कितना ही खूबसूरत है। बहुत ठंडक है यहाँ पे, सच में जब मैं वहाँ था मुझे भी बहुत ही खुशी मिल रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ, ये बहुत ही मस्ट विज़िट प्लेस है। और आप देख सकते हैं ये पुराने टाइम में किस तरह ये कलाकारी बनाई गई है, ये पूरा पत्थर और लकड़ियों से बनाया गया है। उस वक्त की मजबूती कितनी तगड़ी थी और आज के टाइम पे आप देख ही सकते हैं 10 साल के अंदर ही घर गिर जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत है। और ये सामने है, यहाँ पे पूरा नगर गाँव यहीं पर आके पूजा पाठ करता है, ये बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। वैसे जिस तरह मैं इस कासल में घूम रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं भूलभुलैया मूवी का जो घर था मैं उसमें घूम रहा हूँ। आप देख सकते हैं खिड़की जो मंजुलिका के रूम में लगी हुई थी, सेम उसी तरह का है। राजा महाराजा लोग यहाँ से पूरा नज़ारा देखते थे, आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है। यहाँ से मंजुलिका अपने प्रेमी को देखती थी, यही वो जगह है। मंजुलिका का नाम ना लेना, यहाँ पे 3 बार वो आ जाती है। तो चलो दोस्तों, मैं आप सबको दिखाता हूँ नगर कासल, नगर गांव का, हिमाचल का पूरा संस्कृति म्यूज़ियम द्वारा। सच में ये म्यूज़ियम बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत म्यूज़ियम है ये। ये इतनी सी जगह में इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे रख के पूरा कल्चर बताया गया है, यहाँ की सभ्यता पूरी तरह से बताई गई है कि किस तरह यहाँ पे लोग जीते थे, किस तरह अपना त्यौहार मनाते थे। आप देख सकते हैं इंजीनियर्स ने कितने अच्छे तरीके से बनाया है, आप देख सकते हैं कितना मजबूत पत्थर है ये। और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का कल्चर, जो फेस्टिवल यहाँ के लोग मनाते हैं नृत्य करते वक्त। ये मास्क आपको लगेगा बहुत ही डेंजर देखने में, हिमाचली लोग बहुत ही नाच गाने के शौकीन होते हैं तो यहाँ के लोग इसे पहनकर यहाँ पे नाचते हैं। और आप देख सकते हैं सामने ढोल है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ के लोगों को नाचना गाना बहुत पसंद है। आप देख सकते हैं ये सामने हिमालयन कपल है, इनके पहनावे पोशाक आपको दिखाए गए हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है। अभी भी यहाँ पे लोग ऐसे ही पहनते हैं, जो कि बाकी सब जगह पे तो कल्चर चेंज हो गया लेकिन आज भी यहाँ पे ऐसे ही लोग जीते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। आप यहाँ का बर्तन देख सकते हैं, चम्मच है, प्लेट है और जिसमें औषध बनाते वो भी है। आप देख सकते हैं सामने मिट्टी का हिरन का सर बना के लटकाया गया है, जो कल्चर दिखाता है यहाँ का, क्योंकि इलाका जंगली भी है पहाड़ी भी है तो इस वजह से यहाँ पे ये सब रखा गया है। और आप देख सकते हैं पूरे स्टैचूज हैं यहाँ पे, और आप सामने देख सकते हैं बहुत ही मजबूत बनाया हुआ सीमेंट से सीढ़ी, जो आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसा बना हुआ। और ठीक म्यूज़ियम के बाहर स्टैचूज रखे गए हैं, कम से कम लाइन से बहुत सारे स्टैचूज हैं। आप देख सकते हैं पुराने टाइम में जो बनाया गया था वो सब यहाँ पे स्टैचू बना के दर्शाया गया है, कितने खूबसूरत हैं। ये भी पूरे सीमेंट के हैं। तो मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ की बता दी और दिखा दी, सच में बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हैं सामने पूरा नगर गांव है, पूरा मौसम है एकदम, आपको स्वर्ग जैसी ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे आपको मिलेगी, जिस तरह मुझे मिल रही थी, सच में बहुत अच्छी जगह है। आप देख सकते हैं यार, सीरियसली कितना अच्छा प्लेस है यार ये,
और फोटो शूट के लिए कितना अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं मेरे ऊपर पूरा कास्टल होटल्स है, कितना प्यारा है भाई। सीरियसली सोच रहा हूँ यहीं पे घर ले लूँ यार। क्या लग रहा है व्यू देखो ऊपर का यार, सीरियसली बहुत मज़ा आ रहा है। अभी मैं आपको आगे लेके जाऊँगा मंदिर में दर्शन कराने। मंदिर का दर्शन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराने वाला हूँ, सच में बहुत ही ऐतिहासिक है। मधुमक्खी ने 800 किलो का पत्थर यहाँ पे लाया है, तो देखना ना भूलिए।